जैसे लिखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम पार्ट वन में डिस्कस पहले काफी कुछ कर चुके हैं, अब पार्ट टू में, पार्ट टू में हम इसके समीशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए क्योंकि फॉर्मूले से ही मेन इसकी बात चलेगी। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है, ऐसे आपके पास एक क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे ओपन करोगे, जस्ट अ मिनट, यस, तो ओपन होगा ये एक्स अंडरूट वन माइनस वाई स्क्वायर, अगर प्लस है तो प्लस ही आएगा, फिर वाई सेम एज इट अंडरूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इफ देयर इज अ प्लस देन प्लस, अगर यहां पे माइनस आ जाता है तो यहां पे माइनस आ जाएगा। ओके, नाउ इन द सेम वे कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, वैसे तो ये डोमेन में होता है भी एक्स किस में लाई कर रही है, वाई किस में लाई कर रही है, वो देखना होता है, लेकिन जो हम एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बस यही फॉर्मूले सफिशिएंट है। ठीक है ना, अदरवाइज वो पाई माइनस हो जाता है, माइनस पाई प्लस हो जाता है, नहीं इतना डीप नहीं करना, जस्ट यही कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। ठीक है, अब इसका क्या फॉर्मूला आएगा, यहां पे प्लस आया है एक्स वाई, इस पे ऑपोजिट साइन चलता है, माइनस अंडरूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडरूट वन माइनस वाई स्क्वायर, इफ प्लस देन यहां पे माइनस आएगा, अगर यहां पे माइनस आई तो यहां पे प्लस आ जाएगा। ओके, मैं लिख रही हूं प्लस माइनस साइन है तो प्लस माइनस ही आएगा, ये ऑपोजिट साइन देगा हमें। ओके, अब चलते हैं टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, तो ये क्या आएगा, ओह सॉरी आगे साइन इनवर्स कोस इनवर्स तो लगाना ही भूल गई मैं, मेरी से टस्टर हो जाएगा ना जस्ट यहाँ पे, वाई विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई विच इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये टैन इनवर्स, प्लीज नोट डाउन कीजिए, साइन इनवर्स कोस इनवर्स, फिर ये फॉर्मूला चलेगा हमारा। ओके, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, तो टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है, वन माइनस एक्स इंटू वाई, थोड़ा मुझे जल्दी हो रही है क्योंकि मुझे ऐसे कि मार्च में एग्जाम है, तब तक मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस कवर करवा दूं, मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूं, नहीं लेकिन धीरे चलेंगे, जितनी जल्दी चलते हैं मिस्टेक ना हो जाए, है ना। प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, डिनोमिनेटर में माइनस आएगा, इन द सेम वे अगर यहां पे माइनस आ जाता है टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई विच गिव्स टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई, बस साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा तो डिनोमिनेटर में प्लस आ जाएगा। ठीक है, दैट इज द मेन फॉर्मूले जो आपको नोट कर लेने चाहिए, नोटबुक लीजिए और नोट कर लीजिए एक मिनट के लिए। और अब मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगी जो आपके, मैंने यहाँ पे तो वैसे एनडी प्रीवियस ईयर के पिक किए हुए हैं और इसी के रिगार्डिंग आपको जो मास्टर कैडेट प्रीवियस ईयर में आते हैं वो हम पिक करेंगे, ऐसे धीरे धीरे मैं आपको सभी क्वेश्चन बताऊंगी, नोट हो गए होंगे। चलिए, अब मैंने ये टू क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है, ये आपका 2018 में आया हुआ है और ये आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं बिकॉज ये इजी है, इजी ये भी है बट इसमें एक स्टेप और इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी ऑप्शंस दी हुई हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, अभी अभी हमने फॉर्मूला किया है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स इंटू वाई, मैंने फॉर्मूला साथ साथ में बोला है, वैल्यू एक्स और वाई की फिल की है। ठीक है, अब चलते हैं टैन इनवर्स, अब इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो 12 आएगा क्योंकि 3 प्राइम आ गया तो कॉमन कॉमन फैक्टर वाली तो बात ही नहीं आई, तो 3 यहां पे 4 यहां पे, 3 प्लस 4 कितना बन गया, ये 7 बाय 12 डिवाइड में, अगेन ये कितना आया 12 आया 12 12 माइनस 3 प्लस 4 7 सॉरी 3 बाय 5 था, मैं बोल रही हूं मैं धीरे धीरे करूंगी ना, स्टेटमेंट 3 बाय 5 इंटू 3 बाय 5,
अब 5 फोर जा की 5 प्राइम है, कितना आएगा 20 एलसीएम आएगा, 20 एलसीएम आएगा, 5 प्राइम है तो 5 को जब आप 1 से करोगे तो कितना आया 5 प्लस 4 सी जा 12, ठीक है, 4 सी जा 12 और 5 और प्लस 1 5 हो गया डिवाइड बाय 20। अब यहां पे भी 20 एलसीएम आएगा, यहां पे 1 हो गया तो 20 माइनस 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 20, ठीक है। इस 20 के साथ ये 20 ऑलवेज ही कैंसिल होगा। अब 5 प्लस 12 कितना बन गया ये 17, 20 में से 3 माइनस करो कितना बन गया ये 17, ये दोनों भी आपस में क्या हो गए कैंसिल, दैट मीन ये टोटल कैंसिल होकर कितना बन गया आपका 1 आ गया, tan इनवर्स 1। और आपको मालूम है जब tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 आ जाता है कि 1 tan 45 की वैल्यू होती है, तो 45 डेट मीन्स पाई बाय 4 आपका क्या आ गया ऑप्शन आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए ऐसे आप स्टेप स्किप करके जल्दी जल्दी कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है ज्यादा टाइम लग रहा है, जल्दी ही हो रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आई है, टैन इनवर्स साइन इनवर्स आया आपके पास। हमने अभी जो फॉर्मूले किए हैं दोनों साइन इनवर्स कोस इनवर्स या टैन इनवर्स, तो आपके पास इसे करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चाहे तो आप इसे टैन को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए या साइन को टैन में कन्वर्ट कर लीजिए, दोनों में से आप कोई भी मेथड एप्लीकेबल कीजिए आंसर सेम आएगा, क्योंकि टैन इनवर्स का फॉर्मूला थोड़ा इजी है, दैट्स व्हाई मैं साइन को टैन में कन्वर्ट करूंगी। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं, जिन बच्चों का बेसिक्स थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का कमजोर है, तो मैंने 3 वीडियोस पहले अपलोड की हुई हैं, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है, यही नाम से हैं, तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हो, पार्ट 1 में मैंने प्रॉपर समझाया हुआ है, पार्ट 2 पार्ट 3 में, ठीक है। तो यहां पे मैं उसी को लेकर चलूंगी, बट साथ साथ में इतना एक्सप्लेन जरूर करूंगी कि आपको समझ में आ जाए। ये जो साइन होता है दैट इज अ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अगर मुझे टैन चाहिए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टैन, है ना, तो मुझे बेस की वैल्यू चाहिए, तो बेस कैसे निकलेगा, मेरा रिलेशन क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस 5 स्क्वायर करोगे 25, परपेंडिकुलर इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस, परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर करोगे माइनस 9 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी कितना आएगा 4, हम पॉजिटिव लेंगे बिकॉज हम लेंथ की बात करते हैं, बी कितना आया 4, दैट मींस दिस क्वेश्चन नाउ कन्वर्ट दिस प्लस, यहां पे हम डायरेक्ट लिखेंगे अब टैन इनवर्स, क्योंकि मैंने बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना आया 3 और बेस कितना आया 4। अब ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में बन गया। अब ये और ये क्या डिफरेंट लग रहे हैं, सेम वे वही मेथड लगाइए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए करा देती हूं मैं सॉल्व, टैन इनवर्स एक्स 1/7 प्लस 3/4 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4, ऊपर बाकी की कैलकुलेशन ऊपर कर देती हूं मैं, इस तरफ कर देते हैं ना, ये तो हो गया होगा आपका नोट भी हो गया होगा। अब अगेन 7 इज अ प्राइम नंबर आ गया है ना, तो जो इनका एलसीएम आएगा वो मल्टीप्लाई ही आएगी, तो टैन इनवर्स मल्टीप्लाई कितना हो गया ये 28, ये ऑपोजिट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे 4 आ गया यहाँ पे 21, 4 प्लस 7 सीधा 21, ओके, डिवाइड में अगेन 28 माइनस 3 बाय 28, मैंने बोला था कि ऑलवेज ये डिनोमिनेटर कट होंगे, देख लीजिए ऑलवेज कट हो रहे हैं। अब देखिए 21 प्लस 4 25 आ गया, 28 में से 3 माइनस करोगे 25 आ गया, अगेन कट करके कितना वैल्यू बन गई 1। अब टैन इनवर्स 1 आ गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब टैन इनवर्स 1 आ जाता है तो वैल्यू कितनी आ जाती है पाई बाय 4, क्योंकि 1 वैल्यू टैन पाई बाय 4 पे होती है, ठीक है, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। अब आपको 2018 में एक ही क्वेश्चन और आया हुआ था, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√5 एंड साइन वाई इज इक्वल टू 1/√10, ये गिवन था और लिखा था एक्स बिटवीन 1 फाइंड वैल्यू ऑफ
एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी थी हमने। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख सकते हो आप, समझ आ रहा है? राइटिंग तो नहीं बहुत ज्यादा गंदी कर दी मैंने, ठीक है। चलिए अब बताइए, अब देखिए मुझे x प्लस वाई निकालना है ना, ये रहा x, अगर मैं साइन को इस तरफ लेके आऊंगी तो मेरा x कितना बन रहा है, साइन इनवर्स 1 बाय अंडर फाइव। इन द सेम वे y कितना बन रहा है, साइन इनवर्स 1 बाय अंडर टेन। अब मैंने निकालना क्या, इन दोनों का सम, दैट मीन्स इन दोनों का सम, ठीक है। तो क्या हो गया ये साइन इनवर्स, देखो मैं इतनी स्टेप लिख रही हूं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया है कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिक बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिकी बेस्ड करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, उससे सिर्फ एक दो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो उसके लिए मेथड ही सही है, ठीक है। तो मेथड को इसको शॉर्ट टाइम में कैसे करना है, स्टेप स्किप कर करके। अब मुझे ये पता था भी एक्स की वैल्यू ये आई, वाई की वैल्यू ये आई, ये तो मैं माइंड में भी कर सकती हूँ, लेकिन मैंने आपको समझाना है, दैट्स व्हाई लिख रही हूँ, लिखने में टाइम जाएगा। अब आपको पता था एक्स प्लस वाई निकालना है, आप सीधा क्या करोगे भी साइन इनवर्स 1 बाय अंडर 5, साइन इनवर्स 1 बाय अंडर 10, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे और आंसर लिखोगे, जो फॉर्मूला मैं अभी लगाने वाली हूँ, ठीक है। ये जो मैंने स्टेप किए हैं ये आप स्किप कर सकते हो, स्किप करने की हैबिट डालिए, ठीक है। मैं भी जब आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी वहां पे स्टेप स्किप किया करूंगी, विद्यार्थी आपको हैबिट डाले, लेकिन यहां पे मैं अभी पार्ट समझा रही हूं, सो स्टेप ले रही हूं प्रॉपर। साइन इनवर्स दिस प्लस दिस, अब साइन इनवर्स क्या फॉर्मूला था मेरे पास, एक्स 1 बाय अंडर 5 सेम अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी 1 बाय 10 आ गया वो, क्योंकि स्क्वायर से अंडर क्या हो गया इसका कैंसल, प्लस है तो प्लस आएगा 1 बाय अंडर 10 सेम अंडर 1 माइनस 1 बाय 5, क्योंकि अगेन इसका स्क्वायर करो कितना आया 1 बाय 5, ठीक है, देख सकते हो अभी आप। चलिए साइन इनवर्स, अब जब आप यहां पे एलसीएम लोगे, 10 एलसीएम आया, 10 माइनस 1 कितना बन गया ये 9, 9 का स्केयर रूट निकालोगे विच इज अ 3 और अंडर 10 सेम आ गया, प्लस 1 बाय अंडर 10 इंटू अगेन एलसीएम लोगे, 5 एलसीएम आया, यहां पे 5 आएगा, 5 माइनस 1 कितना आया 4, 4 को स्केयर रूट से निकालोगे 2 बाय अंडर 5। लुक एट इट, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। एक स्टेप और यहीं पे कर लेते हैं, साइन इनवर्स, अब देखिए जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूं 3 अपॉन ये जो 10 है, ये जो अंडर 10 है, क्या मैं इसको अंडर 5 इंटू अंडर 2 लिख सकती हूं, अंडर 10 ही बन गया। अब अगर मैंने इसको अंडर 5 इंटू अंडर 2 लिख लिया, अंडर 5 ऑलवेज मेरे पास है, तो एक अंडर 5 और एक अंडर 5 मुझे क्या दे देगा, 5 इंटू अंडर 2। सिमिलरली यहां पे हो जाएगा 2 अपॉन 5 इंटू अंडर 2, ठीक है। अब जब आप इसका एलसीएम लोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे, 3 प्लस 2 कितना बन गया, 3 प्लस 2 5, विच इज अ साइन इनवर्स 5, नीचे 5 अंडर 2, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 बाय अंडर 2 आया। अब साइन इनवर्स है 1 बाय अंडर 2, प्रीवियस वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं, 1 बाय अंडर 2 साइन पे कितने पे वैल्यू आती है, पाई बाय 4, विच इज अ लाई इन द इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाय 4, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए, और इनके आंसर्स जो आएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आंसर आएंगे, तो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब उसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सॉल्व कर लोगे कि क्या क्या इनके आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन का हल्का सा आइडिया दे दूँ, ठीक, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट लिया मैंने, ये इसमें 3 है, 3 आगे कोई बात नहीं, पहले आप फर्स्ट 2 पे फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि उसमें टेन इनवर्स आएगा ही आएगा एक्स प्लस वाई में, तो वो एक्स प्लस वाई करके एक वैल्यू आ जाएगी, वो टेन इनवर्स हो गया प्लस ये टेन इनवर्स हो गया, वो अगेन फिर एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन में आपका 2 टाइम फॉर्मूला लग जाएगा, तो जब आपका 2 टाइम लग जाएगा आप इसे इजिली सॉल्व करके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक।